न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया अब तक का रिकॉर्ड, गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के 1,00,000 करोड़ का किया भुगतान। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूलों के मान्यता के लिए NOC जारी करने संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गीडा थाना क्षेत्र के गहासाड़ रेलवे ट्रैक के पास झाड़ी में एक युवक का मिला सिर कटा शव, SP नार्थ अरविंद पांडे ने कहा शव की हुई शिनाख्त। गोरखपुर में 8 नए मिले कोरोना के पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 214 जबकि 8 की हो चुकी है मौत, 130 ठीक होकर जा चुके हैं घर, एक्टिव केस 76, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। लॉकडाउन होने के कारण शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण का विलंब, शुल्क जिला प्रशासन ने किया माफ, प्रभारी अधिकारी शस्त्र सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। बेलीपार थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित परिवार की बड़ी लापरवाही, पुलिस ने लापरवाही बरतने के साथ लोगों की जान जोखिम में डालने पर ब्रह्मभोज कराए जाने पर मुकदमा किया दर्ज, SP साउथ ने कहा कि जारी है विधिक कार्रवाई। मात्र छाया में रहने वाले 2 मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को जिलाधिकारी की देखरेख में उनके परिजनों को किया गया सुपुर्द, परिजनों ने संस्था का जताया आभार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के श्रम आयुक्त ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए व्यापारी और उद्यमी, जिससे हो सके मजदूरों का आर्थिक उत्थान। पिपराइच और भटहट क्षेत्र में बनाए गए हॉट स्पॉट क्षेत्रों का SDM सदर ने किया निरीक्षण, कहा बरतें सावधानी, बचें कोरोना महामारी से। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन है सतर्क, ADM फाइनेंस ने कहा बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने को है तैयार। जापान से गुजरात और गुजरात से चली 2 मशीनें पहुंची गोरखपुर खाद कारखाना, अब कारखाना जल्द शुरू होने की जगी उम्मीद, लोगों में मशीन देखने की रही उत्सुकता। जिला अस्पताल की OPD में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई हॉस्पिटल के तहत मरीजों का उपचार कराने की शुरू की पहल, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने जिला अस्पताल के OPD और पैथोलॉजी का किया निरीक्षण, लिया जायजा। अनलॉक 1 में जारी रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, गोलघर में एक दुकान को किया सील, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा रोस्टर का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महानगर में बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों को SP ट्रैफिक ने किया आगाह, कहा लगाएं मास्क और हेलमेट नहीं तो होगा चालान। बदलते मौसम में जिला चिकित्सालय में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की बढ़ी संख्या, चिकित्सकों ने कहा बरतें सावधानी, लापरवाही बन सकती है मुसीबत। और भारतीय युवा जन कल्याण समिति ने चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, क्या चाइनीज सामानों के बहिष्कार की अपील।